हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम वर्लपूल की एक टन की एसी के रिमोट के फंक्शन के बारे में जानेंगे। बेसिकली सारे रिमोट के फंक्शन मोस्टली सेम ही होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ ऑन ऑफ करते हैं और स्विंग कर लेते हैं या फिर टेम्परेचर राइज एंड डाउन करते हैं। इसके अलावा बहुत से और भी फंक्शन होते हैं जो अपन यूज़ नहीं कर सकते, जिनको हम यूज़ करके और भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसी को मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे 24 डिग्री पे ये ऑन होती है और इसको अपन डाउन कर लेते हैं टेम्परेचर को। तो इसका मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 16 डिग्री है। इस एसी का सेपरेट वीडियो अनबॉक्सिंग विद डिटेल और कितना इसका प्राइस वगैरह सारा कुछ मैं बना दिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इसकी बैटरी देख लेते हैं रिमोट के अंदर की कहाँ डलती है। जो पीछे की साइड देख सकते हो आप, छोटी वाली बैटरी लगती है। इससे बड़ी वाली बैटरी रहती है जो घड़ी की वॉल क्लॉक में यूज़ होती है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं बस ऐसे ही आपको दिखा रहा था एक आईडिया के लिए। सो अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो बड़ा वाला स्विच है जो कि ऑन ऑफ का पावर स्विच है, जो बेसिकली सभी में होता है। यहाँ टेम्परेचर राइज एंड डाउन करने के लिए है, जैसे आप देख सकते हो 16, 17, 18 और वापस 16 पे आ गया है। और यहाँ पे टाइमर स्विच है जहाँ पे आप टाइमर सेट कर देते हो तो तभी उतना ही ऐसी चलेगी। यहाँ पे टर्बो मोड है, तो अगर रूम में आते ही आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो आप टर्बो मोड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसके पास 6 सेंस है जो इसी अपने आप रूम टेम्परेचर डिटेक्ट करके उस हिसाब से टेम्परेचर सेट कर दे। इसके बाद मोड आता है जिसमें 3 मोड, जैसे एक जो चल रहा हो, सेकेंड मोड यहाँ पे देख सकते हो ये बारिश का मोड है जो बारिश के दिनों में यूज़ करते हो। थर्ड फैन है जिसमें सिर्फ फैन चलेगा। तो यहाँ पे अपन वापस नॉर्मल मोड कर देते जो 16 डिग्री पे आता है। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ एक कन्वर्टेबल स्विच है जो अभी एसी माने लगा। ये है डिम स्विच, ये डिम को यूज़ करके आप इसकी लाइट बंद कर सकते हो। रात के समय अगर आपको लाइट में प्रॉब्लम होती है तो इसकी लाइट भी आप बंद कर सकते हो एसी के, जो डिम के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इको मोड भी है। साइलेंट मोड में फैन की स्पीड कम हो जाती है। अराउंड यू का मतलब होता है आपका रूम टेम्परेचर आपकी एसी बता देगी। और स्लिप मोड का मतलब होता है कि अगर आप स्लिप मोड करके सो गए तो एसी अपने आप उस टेम्परेचर पर आके ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे अराउंड यू पर आप देख सकते हो रूम टेम्परेचर बार 31 है अभी। और ऊपर ऊपर स्विच देखे तो स्विंग का और फैन का स्विच है। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।